तो अब हम इस राइड की अर्निंग की बात कर लेते हैं कि भाई हमें इस राइड के कितने पेमेंट मिले हैं। हमारे कस्टमर्स हो गए और हम चला रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है, वेलकम है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, वीडियो के टाइटल और थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आज कहाँ जाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज मैं जाने वाला हूँ नैनीताल नीम करौली बाबा के वहाँ पर। तो आज की इस वीडियो में हमें कितनी अर्निंग होने वाली है और कौन कौन जा रहा है मेरे साथ, सभी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। चैनल में पहली बार अगर आप लोग आए तो पता ही क्या करना है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं इस समय एग्जैक्टली हूँ मुजफ्फरपुर, और मतलब मुजफ्फरपुर पहुँचने वाला हूँ। और अभी हम एक ढाबे में यहाँ पर रुक रखे हैं। किस लिए? कुछ नहीं, बस पानी वानी लेने रुक रखे और फ्रेश वगैरह होने के लिए। जो कस्टमर है वहाँ गाड़ी में बैठ रखे हैं। गाड़ी कौन सी है आज हमारी? वो है दोस्तों क्विड। और समय की बात बताऊँ, फ़ोन दिखाइए एक बार अपना। तो भाई अभी इस समय बज रहे हैं रात के नहीं, सुबह के। देखो कितने बज रहे हैं, मतलब 3 बजने वाले हैं, 2:34 हो रहे हैं अभी इस समय। तो बात कुछ ऐसी है दोस्तों, ये जो हमारा सफ़र शुरू हुआ है ये गुड़गांव से शुरू हुआ है, और पिछले बार जो मसूरी मेरे साथ गए थे वही कस्टमर है सेम इस बार भी, और उनके साथ ही मैं आ रखा हूँ आज भी नैनीताल अचानक से। तो और मेरे साथ कौन आ रखे? पिछले बार जो भैया आ रखे थे वो नहीं है, इस बार मैं अपने फ्रेंड विनोद को लेके आ रखा हूँ। ये तो शर्माएगा नहीं कैमरे में आने पे। कैमरा घुमा के दिखा दे अपनी शक्ल, ये है देखो भाई। तो सीन क्या है दोस्तों, मेरे साथ आने वाले थे वो वाले ड्राइवर भैया जो पिछले बार आए थे, वो थोड़ा शर्मीले है, थोड़े मतलब इतने आते नहीं है व्लॉग में, ठीक है। तो अब क्या हुआ, वो गाड़ी लेकर गुड़गांव से आयनगर तो आ गए, लेकिन सडनली ना उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ हेल्थ इशू आ गया था, तो उन्होंने मना कर दिया एंड टाइम पे। तो अब वहाँ से जो अंकल जी ने मुझे बोला कि कमल देख लो आपको कोई रेफरेंस वगैरह हो जो गाड़ी चला सके, क्योंकि दो ड्राइवर इसलिए चाहिए कि हम ना स्टे नहीं करेंगे वहाँ पर, सिर्फ जाएंगे दर्शन करेंगे, नैनीताल घूमेंगे और शाम को निकल जाएंगे, सुबह आना है, मतलब मंडे तक सुबह आना है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से सीन था। तो फिर मैं विनोद को लेकर आ गया अपने साथ, और बाकी रही बात पेमेंट की, तो उन्होंने बोला मतलब उनका जो ड्राइवर होंगे तो पेमेंट करते हैं, लेकिन जो मैं अपना बंदा साथ में लेकर आ रखा हूँ, जितना पेमेंट मुझे मिलेगा उतना पेमेंट इसको भी मिलेगा। तो पेमेंट के बारे में सब कुछ आखिरी में बात करेंगे, ब्लॉग में बने रहिएगा प्लीज़। और प्लीज़ इस वीडियो को अभी के भी लाइक कर दो, क्योंकि आगे जो क्लिप आने वाली है वो और भी अच्छी आने वाली है। तो चलो फिर दोस्तों अब निकलते हैं यहाँ से। मैं ये बोल के आ रखा था कि हम फ्रेश होने जा रहे हैं और वो लोग वेट भी कर रहे होंगे, सो गए। वैसे गाड़ी छोटी है, क्विड गाड़ी है, पिछले बार हम टियागो लेकर आ रखे थे, इस बार क्विड है, टियागो गया सॉरी सियाज लेकर आ रखे थे। तो चलिए चलते हैं अपने सफर में, एंजॉय करते हैं आगे, और आप सिनेमैटिक शॉट्स का एंजॉय कीजिए। तो अभी हम इस समय पहुंच चुके हैं हरिद्वार, और देखो ये बिल्कुल सामने यहाँ पर हर की पौड़ी है, और भाई व्यू एक नंबर भाई, ज़बरदस्त बिल्कुल। तो अभी क्या है कि मतलब जब भी मतलब मैं यहाँ पर आता हूँ ना, तो मैं यहाँ ज़रूर रुकता हूँ और यहाँ के नज़ारे देखता हूँ। तो कस्टमर मतलब अभी गाड़ी में सो रहे हैं, गाड़ी में ही है, और मैं गाड़ी से उतर के बाहर आ गया हूँ यहाँ पर। पिछले बार भी वैसे मैं यहाँ पर आया था, लेकिन मैंने यहाँ पर ना वीडियो बनाई नहीं थी, मतलब बाहर से वीडियो बना ली थी मैंने, यहाँ पर प्रॉपरली मैं मतलब बोल नहीं पाया, आप लोगों से बात नहीं कर पाया। तो भाई जर्नी ज़बरदस्त जा रही है। समय की बात बताऊँ तो अभी इस समय सुबह के बज रहे हैं, 5 बजने वाले हैं ना विनोद? हाँ 5 बजने वाले हैं अभी। और देखो भाई ये पुल है, वहाँ का पूरा पुल हिल रहा है, जैसे यहाँ खड़े ना इसे पकड़ के खड़े तो फील हो रहा है कि हिल रहा है। तो चलो अब देखते हैं भाई, शायद से मुश्किल से 100 किलोमीटर दूर रह गया होगा यहाँ से नैनीताल नीम करौली बाबा। तो चलो चलते हैं यहाँ से आगे, और
सीधा मिलता हूँ मैं आपसे नीम करौली बाबा, और चलते फिर आगे, एंजॉय करिए। So, good morning दोस्तों, अभी समय सुबह के बज रहे हैं, टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 7:40, 8 बजने वाले हैं। तो यहाँ पर विनोद गाड़ी चला रहा है, मैंने फ़ोन ना आंटी को दे दिया पीछे, तो वो रिकॉर्ड कर रही है पीछे से। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या सिस्टम है कि आप लोगों को मैंने कहा था ना कि मैं हरिद्वार पहुँच गया हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार तू नैनीताल जा रहा है तो हरिद्वार कैसे पहुँच गया अब? इस भाई रूट ही नहीं है कोई, हमें जाना है हल्द्वानी होते हुए नैनीताल और हम पहुँच गए हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश की तरफ। अब क्या सीधा कि जब वहाँ पे मैंने चेक किया तो 14 किलोमीटर दिखा रहा था, 14 नहीं मात्र 40 किलोमीटर दिखा रहा था, 47 किलोमीटर दिखा रहा था। तो फिर जब मैंने देखा यार, मैंने थोड़ा जूम वगैरह किया रास्ते में, तो रास्ता ना होता नहीं टेढ़े मेढ़े होते नैनीताल के, बहुत ज़्यादा चढ़ाई वढ़ाई होती है, तो यार वो था ही नहीं बिल्कुल भी। तो जब मैंने ध्यान से देखा तो उसमें लिखा था नीम करौली बाबा नैनीताल कैची धाम आश्रम। मैंने कहा यार ये आश्रम क्या चीज़ है, मैं पिछली बार भी जा रखा हूँ या पिछले बार तो ऐसा कुछ था ही नहीं आश्रम वाश्रम। जब मैंने थोड़ा जूम किया मैंने कहा यार ये तो ऋषिकेश के अंदर ले जा रहा लोकेशन और हमें जाना है नैनीताल के अंदर, बिल्कुल अपोजिट रास्ता पड़ गया। तो अब इसके फोन में लोकेशन दिखा रहा है कि भाई आपकी जो लोकेशन है वो है 200 कुछ किलोमीटर, 254 किलोमीटर, और मेरे फोन दिखा रहा है 47 किलोमीटर। अब ऐसा कैसे होता है, इसके फोन में अलग दिखा रहा है। फिर जब हमने ध्यान से देखा ना तो हल्द्वानी होते हुए नैनीताल इसके में दिखा रहा है और मेरे में दिखा रहा है ऋषिकेश आश्रम का वो धामगंज दिखा रहा था। बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन फिर जो हमारे साथ जो अभी ये वीडियो शूट कर रहे हैं पीछे बैठ रखे हैं दोनों, तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं हम तो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, हमें रुकना थोड़ी है, वैसे भी कोई बात नहीं आप चलो। तो वहाँ से हम निकल चुके थे और अभी 100 किलोमीटर दूर और रह रहे हैं, और दोस्तों ये समझ लो कि 11:30 बजे तक हम पहुँच जाएंगे, अभी 10 बज रहे हैं, 11:30-12 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। तो अब सीधा चलते हैं आगे की तरफ और आपको आगे के नज़ारे दिखाता हूँ, और सीधा मिलते हैं बाबा नीम करौली कैची धाम की तरफ। और प्लीज़ वीडियो बनाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, तो प्लीज़ यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना और लाइक करना और शेयर करना, और लास्ट में कितनी हमारे आउटस्टैंड और लास्ट में कितना अमाउंट मिलने वाला मुझे वो भी मैं आपको बिल्कुल लास्ट में बताऊँगा। और आप देख रहे थे जर्नी कितनी कम्फर्टेबल चल रही है, सबसे बातचीत बना के रखनी पड़ती है। तो चले चलते हैं यहाँ से आगे। दोस्तों भाई हमने वहाँ पर नहाया, वो देख रहे हो वहाँ पर ऊपर, वहाँ पर हम नहा कर आए जबरदस्त, और अब यहाँ से निकलेंगे नहाना क्या मतलब, हमने मतलब अंकल आंटी से पूछा कि ये नहा ले हम यहाँ पर, तो बिनोदर में हम दोनों नहा लिया है। और ये देखो ये पानी ये ऊपर से आ रहा है, वहाँ पर इससे भी तगड़ा हुआ है नहाने का, इसका देख रहे हो ऊपर वो चीज़। तो चलो अब मैं वैसे तो एक ही टी शर्ट लाया था एक्स्ट्रा पहनने के लिए, तो इसको पहनूंगा और निकलते यहाँ से आगे। तो भाई यार रुक रखे थे एक व्यू पॉइंट पे और वहाँ से यहाँ पर आ गया, वहाँ गाड़ी खड़ी कर रखी है, और देखो भाई क्या मस्त व्यू है यहाँ का, नैनीताल की तो वाइब ही अलग है कुछ भी कहो, और बारिश हो रही है मस्त, तभी मैं इसके जगह खड़ा हूँ, इससे बाहर निकलूँगा तो बारिश हो जाएगी। देखो यहाँ सारे भाई लोग बैठे हैं इन्जॉय करते हुए, और दो मैगी बोलती है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। देखो आप देख सकते हो यहाँ का व्यू बना रहे हो ना। तो दोस्तों अभी समय दोपहर के बज रहे हैं 2, और तुम्हारा भाई आ चुका है नीम करौली बाबा धाम नैनीताल कैची धाम।
और बिल्कुल मेरे सामने है यहाँ पे, यहाँ से मैं दूर से देख पा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कितनी लंबी यहाँ से लाइन लग रखी है वहाँ से ऊपर से, और नीचे देखो ये पूरी नदी बह रही है कुछ इस तरीके से। और ये है सामने बिल्कुल मेन मंदिर नीम करौली बाबा जी का। तो आप लोगों को तो पता ही होगा, बहुत से लोगों को, जो नीम करौली बाबा जी है उनको हनुमान जी का सिद्धांत मानते हैं, हनुमान जी वास करते हैं, हनुमान जी का वरदान है उनको, तो इसलिए नीम करौली बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पर लोग ना मतलब क्या बोलते हैं, कंबल बांटते हैं, इस मतलब कंबल चढ़ाया जाता है इस मंदिर के अंदर। तो अभी जो मेरे साथ मेरा दोस्त था वो पता नहीं कहाँ चला गया, आगे चला गया शायद से, वो देख रहा हूँ वहाँ भीड़, उसी भीड़ की वहाँ पहुँच गया होगा, क्योंकि मैं जा रखा था दोस्तों यहाँ से वॉशरूम की तरफ। और यहाँ पर ना खाने पीने की सभी सुविधाएँ उपलब्ध है, सब चीज़ें मिल जाती है अवेलेबल, और यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी आप यहाँ पर आ सकते हो। और रही बात भीड़ की, तो भीड़ आप मेरे पीछे देख सकते हो, अच्छी खासी भीड़ है। और वहाँ पर ना पार्किंग है, कार पार्किंग, वो जगह देख रहे हो वो वाली, वो पूरी ना कार पार्किंग एरिया है, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है वहाँ पर। तो चलो अब चलते हैं यहाँ से सीधा मंदिर के अंदर और आपको करवाता हूँ दर्शन। वैसे तो अंदर वीडियो रिकॉर्ड करना सही से अलाउ नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जितना होता है तो आपको दिखाता हूँ। अब तुम्हारा भाई पहुँच चुका है मेन एंट्री गेट पर, बिल्कुल देख सकते हो आप यहाँ पे, यहाँ से एंट्री होती है अंदर कैची धाम बाबा के लिए। और देखो सीधा यहाँ से हम नीचे जाएंगे, और काफ़ी ही ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है, प्रसाद आपको बिल्कुल यहाँ बगल से मिल जाएगा यहाँ आसपास से। तो चलो लेते हैं और चलते हैं। दोस्तों पार्किंग का थोड़ा सा इशू हो सकता है यहाँ पर, तो पार्किंग वही रोड में खड़ी करके मत भग जाना, जो यहाँ की जो पार्किंग दे रखी है ना सिर्फ वहीं पर ही पार्क करना। और लाइन देखो किस तरीके से लग रखी है यहाँ पे, चल रहे हैं हम धीरे धीरे। और मेरे जस्ट यहाँ पर राइट साइड में देखो ये नंदा कह रहा हूँ, अलकनंदा नदी बह रही है बिल्कुल बहुत ही प्यारे तरीके से। और यहाँ पर काफ़ी लोग खड़े हैं जो कि यहाँ फ़ोटो खिंचाने के लिए खड़े हैं, और गार्ड भैया जिनको आगे बढ़ाया जा रहा है। अच्छा यहाँ से व्यू पॉइंट मिलता है सामने नीम करौली महाराज जी का जो दरबार है, यहाँ से एंट्री गेट। दोस्तों हमारा सफ़र सिर्फ यहीं तक का था, नीम करौली बाबा कैची धाम जो कि आप बिल्कुल मेरे पीछे देख रहे हो इस समय। तो अब हम इस राइड की अर्निंग की बात कर लेते हैं कि भाई हमें इस राइड के कितने पेमेंट मिले हैं। तो आपको तो पता है पिछले वाला जो व्लॉग था तो सेम वही अर्निंग इसके अंदर भी है। अगर आपने मेरा पिछले वाला व्लॉग नहीं देखा है मसूरी वाला, तो ऊपर आई बटन में क्लिक कर लेना कि मैं दिल्ली टू मसूरी किस तरीके से आ रखा हूँ। थोड़ा कोई नहीं साइड हो जा, अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर लोग अभी आ रहे हैं बहुत सारे, तो चलो कोई बात नहीं, सब दर्शन के लिए आ रहे, दर्शन करके वापस कोई जा रहे हैं यहाँ से। तो दोस्तों हमारी जो इस राइड में जो अर्निंग हुई है वो 1000 रुपीज़ हुई है पर डे की। और अगर हम आज मतलब एक दिन हमारा आज रात तक हो जाएगा, और अगर हम कल सुबह तक घर पहुँच जाते हैं तो हमारी जो अर्निंग होगी वो 1500 रुपये होगी, यानी कि 500 रुपये एक्स्ट्रा हमें मिलेंगे। अदरवाइज़ अगर शाम तक घर पहुँचते हैं तो वही 2000 रुपीज़ आपको मिलते हैं। तो इस तरीके से हमारा शेड्यूल है, और जो साथ में जिन भाई को मैं लेकर आ रखा था उनका भी सेम यही है, ठीक है। क्योंकि जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो ड्राइवर भाई थे उनके उनका कुछ फैमिली में प्रॉब्लम हो गया था, मेडिकल इशू हेल्थ इशू, तो इसकी वजह से वो आ नहीं पाए थे, तो इसलिए मैं अपने दोस्त को साथ में लेकर आ गया था। और हाँ आप में से कई भाई लोग मुझे कॉल करते हो, मुझसे पूछते हो कि भाई ड्राइविंग जॉब के बारे में, लेकिन भाई देखो मैं तो सिर्फ एक ज़रिया हूँ, जो एप्लीकेशन वगैरह होती है मैं इसी के अंदर देख के आप लोगों को बताता हूँ। तो आप मुझे कॉल करते हो वो तो एक ठीक है, लेकिन मेरे पास कॉल्स बहुत ज़्यादा आती, मैं सीरियसली मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो चले कोई बात नहीं, अगर आपको ड्राइविंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो भाई मैंने ना ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, वहाँ मैंने बिल्कुल डिटेल में बता रखा है कि कैसे ऐप डाउनलोड करते हैं, कौन सा ऐप है और किस किस तरीके से प्रोसीजर है। दोस्तों ये छोड़, इस क्लिप को भी मैं इसमें ऐड कर देता हूँ नीम करौली के बाद। मतलब हम ना यहाँ पर आ गए हैं सर मैडम और मैं और मेरा ये ड्राइवर दोस्त। तो देखो भाई ये कुछ इस तरीके से व्यू है चारों तरफ, अंडी चारों तरफ कैमरा दिखा दो कैसे, बस 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 ज़्यादा उधर नहीं, फिर अंकल भी आ जाएंगे ना, फिर अंकल गुस्सा हो जाएंगे। और देखो उधर को भी, वहाँ देखो व्यू हाँ, और वो दो जनों की बोर्ड है ना इसलिए। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े आ रही है, आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है यार, ये बोलते नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं। और कुछ नहीं आप, और अभी टाइम बताओ दिखाना भैया कितना टाइम हो रहा है अभी, ये देखो अभी ना 6 बज रहे हैं,
तो अब ना यहाँ से बोटिंग करनी है, मतलब यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग आते हो ना तो 45 तक, यानी कि 6:45 तक लास्ट है, मतलब 7 बजे तक मान लो लास्ट, उसके बाद बोटिंग बंद हो जाती है यहाँ पे। तो अब हम ना इसके बाद सीधा दिल्ली के लिए निकल जाएंगे डिनर वगैरह करके। और दोस्तों चलो बोल देता हूँ मैं आपको, जो भी मतलब खाना वाना होता है वो सब इन्हीं की तरफ से होता है, ठीक है? तो चलो कोई नहीं, अब यहाँ चलते हैं और ठीक है, मिलता हूँ मैं आपसे नए वीडियो में, ठीक है? बाय बाय।